इन दिनों सोशल मीडिया पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केसीआर का डीएनए बिहार का है और उनका डीएनए तेलंगाना का है। उन्होंने कहा कि केसीआर मूल रूप से बिहार के कुर्मी जाति के हैं, उनका परिवार काफी समय से तेलंगाना में रह रहा है, इसलिए रेवंत का डीएनए केसीआर से बेहतर है। इस बात से राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई। आक्रोशित बीजेपी भागलपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और चेतावनी देते हुए कहा कि बिहारियों से माफी मांगे वरना आंदोलन तेज होगा। इतना ही नहीं, बीजेपी के लोगों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग भी मंच पर मौजूद थे, फिर भी उन लोगों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया या कहीं से सही नहीं है। आज जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी भागलपुर में सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्ष जी के द्वारा के नेतृत्व में हम लोगों ने पुतला दहन किया, जो कांग्रेस के नेता जिस तरह का बिहार के लोगों के बारे में टिप्पणी दे रहे हैं, ये उनके मानसिक संतुलन के खोने का सबूत देता है। जिनके नेतृत्व ही पप्पू टाइप के हैं, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति उस कांग्रेस की नेतृत्व कर रहे हैं, वो खुद बोलते क्या हैं और करते क्या हैं, कब क्या बोल देंगे, उनको जब संतुलन नहीं तो उनके नेता को भी कोई संतुलन और बात करने का, बोलने का कोई भी चीज़ का एक औचित्य नहीं है। और उनको तो बिहार लाकर या बिहार जहाँ भी बिहारी हम लोग हैं भी है, वो उनको काली पोतने का काम करेगी उनके चेहरे पे आने वाले। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा बिहार के डीएनए पर जो बयान आया है उस पर राजनीति गर्मा गई है। भागलपुर में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। भाजपा के नेता को अब बस एक ही काम बचा है, किस तरह दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री और नेता के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। ऐसा तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, इसे लोग गाली समझ रहे हैं, लेकिन यह बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात है। भाजपा के नेता सिर्फ अब बैंक की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, जनता सब समझ रही है। ये किसने कहा बिहार का डीएनए खराब है, ये किसने कहा? बिहारी शब्द को जो गाली मानते हैं, बिहारी होना अपने आप में गौरव की बात है हम लोग के लिए, बिहारी शब्द को जो गाली बता रहे हैं, जो गाली बता रहे हैं वो बिहार का अपमान कर रहे हैं। बात दरअसल ये है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये मीडिया ही तो है जो सब कुछ बताती है और सब कुछ दिखाती है, आप इसको छान के देखिए, सब सच सामने आ जाएगा। गिरिराज सिंह क्या करने वाले लोग हैं और कैसे लोग हैं, इस पार्टी के लोग कैसे हैं और किस तरह से शब्दों को तोड़ मरोड़ कर समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं। जब महाराष्ट्र में बिहारियों को खदेड़ा जा रहा था, उस समय इनकी जुबान क्यों तालाबंदी लगी हुई थी? उस समय इनकी जुबान पर क्यों नहीं जू रेंग रहा था? सोचने वाली बात है, बिहारी होना अपने आप में गौरव की बात है, तो क्या हम अपने आप को दिल्ली से बेहतर नहीं बता सकते हैं? तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि दिल्ली हमारे सामने तुच्छ है, खराब है, दिल्ली हमसे खराब है। हम दिल्ली वाले से बेहतर हैं, हम महाराष्ट्र वाले से बेहतर हैं, हम सबसे मिल के चलते हैं, हर जगह हमारा परचम लहराता है, हमारे राज्य से सब जगह कमाने वाले खाने वाले जाते हैं, हमारे साथियों के, हमारे बिहारियों के कंधे पर जो है महाराष्ट्र का सारा जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो चलता है। आप जितना खोमचा वाले, दूध वाले जितने लोगों को देखेंगे वो आपको वहाँ मिलेंगे। तो फिर उनकी दिनचर्या चलती है बिहारियों के भरोसे, तो वो हम बिहारी महाराष्ट्र से बेहतर हैं, तो हम महाराष्ट्र को ख़राब थोड़े ही कह दिए, हम अपने आप को बेहतर कह रहे हैं। इसको जो अपमान उन्हीं को लग रहा है जो बिहारी सबको अपमानजनक मानते हैं, वैसे लोग जो किसी के इशारे पर की कठपुतली बने हुए हैं, जो समाज में वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, वो बिहारी शब्द को अपमान मानते हैं और बिहारी होना गौरव की बात नहीं समझते हैं। इसमें राजनीति तेज हो गया सर। ये राजनीति तेज करने वाले लोग हैं, आप समझने की कोशिश, यही तो हम कह रहे हैं। ऐसे लोग जो समाज के अंदर वैमनस्यता फैलाने वाले हैं, जिनका विचार ही हर समय उद्दोलित करना है लोगों को, धार्मिक उन्माद फैलाना है, जाति उन्माद फैलाना है, ऐसे लोग ही इस बात को बोलते हैं। और वो उस पार्टी से हैं जो कहते हैं कि चार ही भाई हैं हमारे, चार ही जो है हमारी जात है। कौन? नौजवान, जिसको 18 वर्ष का नौजवान वोट देने के लिए आ गया है, उसको पहले पता चल गया कि बेरोजगारी मेरे सामने खड़ी है मुंह बाए हुए, जो हमको गिल जाएगी, वो वोट दे देता है उनको। वो दलित जिसके मुँह पर पेशाब कर दिया जाता है, वो वोट दे देता है उनको। वो किसान जो 700 आंदोलन करते हुए मारे जाते हैं, जो किसान हर साल हजारों की संख्या में, बड़ी संख्या में आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं, वो किसान उनको वोट दे देते हैं।
वो महिलाएं जो उत्तर प्रदेश में उत्पीड़ित होती है सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में उत्पीड़ित होती है, वो महिलाएं उनकी वोट देती है। ये चार उनकी जात हो जाती है चुनाव होने के बाद, और चुनाव के दरमियान ऐसे लोगों के नेता कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, हम बैकवर्ड हैं, वो उस समय वैमनस्य वो नहीं फैला रहे होते हैं। इनको शब्दों का हेरा फेरी कहते हैं इस बात को, और वो हेरा फेरी में माहिर है ये लोग, और इसी शब्द का जाल बुन के आप लोगों को भी फांसते हैं। उनकी बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। लोकसभा सदन में कल गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय निर्माण और बिरसा मुंडा के सम्मान में जो बयान दिया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण बिहार सरकार नहीं होने दे रही और बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी नहीं मनाया जाता, इससे आदिवासी समाज को ठेस पहुंचता है, इसी को लेकर जदयू के प्रदेश प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गोड्डा के सांसद ने जो बयान दिया है वो बेबुनियाद है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण केंद्र सरकार को करना है, इसमें सिर्फ बिहार सरकार को जमीन मुहैया करानी थी। बिहार सरकार ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए 3 जगह पर जमीन भी चिन्हित किया है, जिसको लेकर केंद्रीय जांच टीम भागलपुर पहुंची और जमीन को देखा, जिसमें 1 जगह भी जमीन के लिए चिन्हित किया गया है जहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण होना है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने राशि मुहैया नहीं कराई जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण हो सके। आगे उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ही नहीं, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं सभी का सम्मान लोकसभा के अंदर होता है। इस तरह से गोड्डा के सांसद का बयान का हम लोग विरोध करते हैं। हमारा आज प्रेस संवाददाता का मुख्य कारण है कि कल जो लोकसभा में हमारे माननीय सांसद जो बिहार के बाहर झारखंड के हैं निशिकांत दुबे जी, उनका जो बयान आया है केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के, उसी संदर्भ में आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, उन्होंने बताया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए 2015 में ही केंद्र में बैठी भाजपा समर्थित सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया। उस समय घोषणा 500 करोड़ रुपया का उन्होंने किया था, लेकिन वो सिर्फ घोषणा था, और इन्होंने जो कल बात कही है कि 400 करोड़ रुपया आवंटन किया गया बिहार सरकार को, और बिहार सरकार ने आज तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराया। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को, और उनको भी, उनकी भी जानकारी बढ़े, इस उद्देश्य से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब केंद्र में बैठी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपया की घोषणा की, तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार ने 3 जगह पे जमीन उपलब्ध दिखाते हुए उसका पत्र बनाकर पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजने का काम किया, और उसमें केंद्र सरकार के द्वारा टीम भी आई, 11 सदस्यीय टीम आई, उन्होंने जाँच किया, 1 जमीन को उन्होंने उसके लायक नहीं बताया और दूसरा जो प्लॉट था उसको उन्होंने विश्वविद्यालय बनने के लायक चयनित किया। उसके बाद आज तक केंद्र सरकार से बनाने की प्रक्रिया में आगे किसी प्रकार का कोई प्रक्रिया आगे नहीं अपनाया गया, और आज आरोप लगा रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया, चूँकि जबकि ये जो काम होना है वो केंद्र सरकार के ही एजेंसियों के द्वारा होना है, और उन्हीं के एजेंसियों के द्वारा केंद्र सरकार एजेंसी को पैसा देगी और एजेंसी यह काम करेगी। इसमें बिहार सरकार की भूमिका सिर्फ इतना ही था कि जमीन चयन करके दे देना, और उन्होंने उपलब्ध करा दिया और निःशुल्क करा दिया। तो इस तरह की बातें जो बिहार से बाहर के सांसद, जो झारखंड के सांसद हैं वो करते हैं, ये बिल्कुल ही निंदनीय है, इसकी मैं निंदा भी करता हूँ और आपके माध्यम से देशवासियों को, बिहारवासियों को बताना भी चाहता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने बिरसा मुंडा साहब पे कहा है कि देश में जो लोकसभा में उनके पहले जब वो सांसद बन के गए तो उनके पहले इस तरह के प्रतिमाओं पे, स्वतंत्रता सेनानियों पे, देश के
महान पुरुषों के बारे में किसी प्रकार का कोई चर्चा लोकसभा में नहीं होता था। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि पूरा देश अपने महापुरुषों को जानता है और जयंती मनाते हैं और पुण्यतिथि मनाते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि उनके लोकसभा में सदस्य बनने के बाद ही ऐसी परंपरा चालू हुई है, ये पूर्व से ही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार व बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में आगामी 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें कई केसों का निष्पादन किया जाएगा। इस केस में निष्पादन में कोई शुल्क नहीं लगता। वहीं कई विभाग के द्वारा लोगों को पहले से सूचना दे दी जा चुकी है। बिजली, जमीन, पारिवारिक मामला, रेलवे जैसे कई मामलों का निष्पादन इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निशुल्क किया जाता है। इसको लेकर कई विभाग से बैठक भी कर ली गई है। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहेंगे। इसको लेकर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि इस बार भागलपुर में 17 बेंच, कहलगांव में 2 बेंच और नवगछिया में 6 बेंच बनाकर केसों का निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार भागलपुर सिविल कोर्ट में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कोर्ट में जो क्रिमिनल कंपाउंड केसेस हैं जो है इस ऐसे मामलों में आके पार्टी स्वयं जो है दोनों पक्ष का आके उपस्थित होकर मामले को आपसी सहमति के आधार पर सुलह करके इसको खत्म कर लेती है। इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि इसमें किसी प्रोसीजर में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, किसी एडवोकेट की आवश्यकता नहीं है, किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे से जो भी है जिस टर्म एंड कंडीशन में करना चाहते हैं अपना, वो उनका अपना निजी मामला होता है। और इसी के साथ सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अगर पार्टी समझौता करती है तो उसके बीच में ढेर सारे विवाद अपने आप सौंप जाते हैं, तो एक केस नहीं खत्म होता बल्कि दो पक्ष का, दो परिवार को एक तरीके से इसमें लाभ होता है। तो इस लोक अदालत में क्रिमिनल कंपाउंड केसेस के साथ साथ जो है बैंक के जो केसेस हैं, जो सर्टिफिकेट केस हुए हैं लोन के मामले में, जो उनके पास लोन उनके ऊपर ज़्यादा है, ऐसे पक्षकार भी आके बैंक के ऑफिसर से मिलकर यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करके मामले को ख़त्म कर सकते हैं जो है और करवाते हैं। पिछले लोक अदालत में हुआ था, इस बार भी बड़े बृहद पैमाने पर ये होगा जो है। इसके साथ एक और अच्छी बात यह है कि जो सर्टिफिकेट केस हुए रहते हैं और यहाँ पे ऐसे सर्टिफिकेट केस का अगर निस्तारण होता है तो उनको कोर्ट फीस से मुक्त रखा जाता है, जबकि वो जो सर्टिफिकेट जो अधिकारी हैं उनके यहाँ अगर होता है तो उनको कोर्ट फीस देना पड़ता है, वो जो टोटल अमाउंट का शायद 2-3% कितना होता है, तो ये बड़ा अमाउंट होता है। किसी का अगर 1,00,000 है तो उसको 10,000 रुपये कोर्ट फीस ही देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ अगर मामले को समझौता कराते ख़त्म करते हैं तो वो कोर्ट फीस भी नहीं देना पड़ता है। तो डबल फायदा है उनको जो है कि लोन से भी कम भी हो जाएगा और कोर्ट फीस भी उनको नहीं देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ढेर सारे जो है जो लेबर एक्ट से संबंधित केसेस हैं, मिनिमम वेजेस से संबंधित केसेस हैं जो है, ग्राम कचहरी से संबंधित जो केसेस हैं, जो ग्राम कचहरी में पेंडिंग में मोस्टली कंपाउंडेबल केसेस हैं, वो उन केसों का भी यहाँ पे निस्तारण किया जा सकता है। मैट्रिमोनियल केसेस हैं, एक्सीडेंट के संदर्भ में जो केसेस हैं जो है, पार्टी उपस्थित होकर जो बीमा पार्टी से इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपस में मिलकर इसमें कम्प्रोमाइज कर सकते करके निकलने को ख़त्म कर सकती है। और इस लोक अदालत के लिए जो है 25 बेंच का गठन किया गया है, हमारे 25 जुडिशियल ऑफिसर लगेंगे, उसके साथ साथ जो है जो बेंच क्लर्क रहेंगे, उसके साथ साथ जो पैनल लायर हैं वो ये सदस्य के रूप में वहाँ पर रहेंगे जो है। इस 25 में से 17 जो है कि यहाँ भागलपुर से जवाहर न्यायालय में गठन किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा भागलपुर में किया जा रहा है, 6 जो है कि कहलगांव में किया जा रहा है, सॉरी नौगछिया में, और 2 कहलगांव में किया जा रहा है। कहलगांव में कम इसलिए है क्योंकि वहाँ पर क्रिमिनल केसेस नहीं है, वो बैंक से ही संबंधित केसेस वहाँ पर रहेंगे, इसलिए वहाँ पर 2 ही बेंच का गठन किया गया है। टोटल कितने मामले होंगे सर इसमें अभी तक जो है? अभी तक हमारे पास जो हमारे यहाँ से जो रिकॉर्ड गया है इसके हिसाब से 42,000 सर्विस नोटिस इशू किया जा चुका है। कोर्ट के जो क्रिमिनल कंपाउंड केसेस उसमें 6,000 मामलों में जो है नोटिस इशू किया जा चुका है, और हम लोग का टारगेट है लगभग 2,500 से 3,000 तक के मुकदमे का यहाँ पे निस्तारण हो जाए। चीफ गेस्ट पटना हाईकोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आर रविंद्र सर हैं, और इसके साथ साथ ऑनरेबल चक्रधारी शरण बाबू सर आ रहे हैं यहाँ पे। ये भागलपुर